हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में एक क्लासिक मैच है, तो यार एंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, ये जो नीचे लाल रंग का बटन है ना, इसे तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना है कर दो, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपने भाई को। यार क्या कर रहे हो तुम? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, सांप के बच्चे ने अपनी लंका लगा दी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो देखो गाइस, हम यहाँ पे उतरे हैं और हमारे पीछे एक बंदा आया है, तो हम अब यहाँ पे गन ढूंढेंगे जल्दी से। और मैं सोचता हूँ भाई, जा के मारूंगा उस बंदे को। अब मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ बंदे को। अब यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ और बंदा मेरे को मिल नहीं रहा है। कहाँ पे भाई, इतना बड़ा कैंपर है। हम यहाँ पे ढूंढते हैं, सारे ढूंढ रहे हैं सब तीनों। एक तो मर गया, अपना साथी अलग भाग गया था वो। रैंडम के साथ यही दिक्कत होती है, अलग अलग भाग जाते हैं सारे। अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं वो बंदा है कहाँ पे। फुट स्टेप आए थे उसके, बट बंदा नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे कहीं पे भी। तो हम ढूंढते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं पहले गन उठा लेता हूँ कोई। यार हेलमेट वेस्ट है नहीं, मैं उस बंदे के चक्कर में और आगे चला गया और यहाँ पे आ गए उसके साथ ही, और उन्होंने हमारे नंबर टू भैया को चटका दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये उसने हमें देख लिया है। अब मैं दूसरी साइड से जाऊँगा, देखूँगा भाई यहाँ से आएगा तो मारूँगा उसे। भाई अपने नंबर वन भैया और दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो भाई हम यहीं पे अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आ गया बंदा, इसको मार देते हैं भाई हम। तो ये इसके दूसरे साथी ने हमें चटका दिया। भाई हेलमेट ना होने का यही घाटा होता है, हेलमेट वेस्ट हो तो थोड़ा यार बच जाते हैं थोड़ा, नहीं तो ऐसे नूब नूब बंदे भी अपने को चटका जाते हैं। अब यहाँ पे अपने नंबर वन भैया प्रेशर में कि भाई करे क्या। ओरिजन का एक साथी है, ये ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखो, ये कैंपर यहाँ से कूद के भागता है। ये वही बंदा है जो स्टार्टिंग में उतरा था। तो भैया अपने नंबर वन भैया कर रहे हैं सबको, रिवाइव करेंगे। और भाई यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेरे को भी कर दो यार, तो ये नंबर टू वन, नंबर टू आ जाता है, रिवाइव करता है हमें। और नंबर वन भाई चला जाता है मारने के लिए उसे। वो सोच रहा है एक ही है, मार दूंगा जाके उसे, क्या पता कैंपर बैठे हैं वहाँ पे भाई। अब यहाँ पे हम हील करते हैं, उतने में देखते क्या है कि भैया हमारा नंबर वन भैया पिल गया है। हम सोचते हैं भाई जाके बचाते हैं उसे, बट भाई वो तो कैंपर, उन्होंने तो ख़त्म कर देना सीधा। वो ख़त्म कर देते भाई अपने नंबर वन भैया को। फिर हम यहाँ पे एक नंबर टू से पेलता, मैं इसे पेल देता हूँ। और बस भाई यहाँ पे अपने दो साथी ख़त्म हो चुके हैं, अब हम दो ही बच्चे हैं यहाँ पे। चलो भाई अब हमने यहाँ पे इनको मार दिया, तो अब हम लूट करते हैं थोड़ी। और देखो भाई आगे अब क्या होता है, तुम्हारा भाई कैसे बंदे मारेगा अब देखो।
तो भाई अब यहाँ पे 29 बंदे बचे सिर्फ, और हम सोचते हैं भाई यहाँ से चलते हैं और बंदे ढूंढते हैं यार, मारे किल करें कुछ। मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे बैठ के, तो हम यहाँ से चलते हैं। और अब हम करेंगे ड्रॉप हंट, देखते हैं भाई ड्रॉप पे बंदे आएंगे नहीं आएंगे। अब भाई यहाँ ड्रॉप पे तो कोई आया नहीं, तो हम घूमते हैं भाई कार लेके, कोई मिल जाए तो मारे उसे भाई। तो हम यहाँ पे चलते हैं भाई, बहुत घूमते हैं हम, हमें कोई नहीं मिलता, तो हम सोचते दोबारा ड्रॉप पे चलते हैं, कोई तो आएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं अब ड्रॉप पे, भाई यहाँ भी कोई नहीं आया इस ड्रॉप पे, तो बंदे पता नहीं भाई कहाँ है, इतना बड़ा जोन है। तो हम कार उठाते हैं और चलते हैं भाई, देखते हैं कहाँ बंदे मिलेंगे हमें। हमें यहाँ पे आगे देखते हैं यूएजेड जा रही है, हम इस पर फायरिंग करते हैं और ये बंदे यहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं मेरे से क्या हुआ, सब कुछ रीलोडिंग पे लगी मेरी दोनों गन्स, फिर भी मैंने एक को नॉक करा, एक को मेरे साथी ने नॉक करा। और भाई अभी हम इनको मार के लूटने वाले होते हैं, उससे पहले एक बंदा आ गया आगे बग्गी लेके, तो हम भाई उसको देखते हैं। अब यहाँ कवर भी नहीं है कुछ, एक ये है हम इसके पीछे बैठते हैं, वो बंदा सामने है। और भाई पता नहीं क्या कर रहा होता वो बंदा रिच पे, मैं यूजी से डैमेज देता हूँ उसे बट मरता नहीं है वो, बच जाता है। बाकी देखो क्या होता है उसके साथ में, बस छोड़ेंगे तो नहीं उसे, अब दिख गया तो मार के तो रहेंगे उसे। तो भाई नंबर टू उस पर रश मारता है, मैं भी उसके पीछे पीछे कवर देता हूँ उसे। भाई नूब कितना बड़ा है, निकल भी नहीं रहा रिच से वो, तो मैं यहाँ पे नेट करता हूँ उसके ऊपर। लेकिन भाई देखो मेरे नेट करने से पहले ही नंबर टू से नॉक कर देता है और ख़त्म भी कर देता है। तो भाई अब यहाँ पे हम इसे ख़त्म करते हैं। भाई हम इनको मार के अभी लूट कर रहे होते हैं, उससे पहले वहाँ पे फायरिंग होने लग जाती है। तो भाई अब यहाँ पे लूट कर लिया हमने, तो अब यहाँ पे हम हील करते हैं भाई, फ्री का वाला छोड़ना नहीं चाहिए भाई, हील करो पहले भाई, क्या पता कोई नूब आपको चटका जाए बिना हीलिंग के, तो भाई हील करो मस्ट। तो अब यहाँ पर हम हील करके अब जाते हैं आगे। तो भाई अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आगे दो बंदों की फाइट हो रही है, एक्चुअल में दो नहीं तीन होते हैं बट मेरे को लगता है दो हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर फायर करता हूँ, ये पीछे चला जाता है, और यहाँ ऊपर से मशरूम हाउस से एक बंदा कूदता है नीचे। अब ये बंदा वहाँ से कूदता है दूसरे वाले को मारने के लिए, बट मैं इसको मार के नॉक कर देता हूँ। तो जो अंदर बंदा घुसा है वो आके मैंने किल चोरी कर दिया, और भाई किल चोरी करा तो मैं तो भाई छोड़ूंगा नहीं इसे, मार देता हूँ मैं उसको। तो हम सोचते हैं भाई ख़त्म हो गया, हम जाके करेंगे उन्हें लूटेंगे। तो अभी हम मैं उसके पास जा ही रहा होता हूँ, और इतने में देखता हूँ भाई फुट स्टेप आ गए, अंदर बंदा है जो ऊपर से कूदा था उसका साथी अंदर छुप के बैठा है। भाई कैसे कैसे कैंप कर रहा है भाई यहाँ पे, मैं नेट करता हूँ उससे पहले वो नीचे कूद जाता है और नंबर टू को नॉक कर देता है, वो मेरे पर फायर करता है। अब भाई उसकी अब बुरी किस्मत कि भाई मेरी बुलेट्स उससे कनेक्ट हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो भाई हम नंबर टू को
रिवाइव करते हैं। और भाई अंदर जाके अब हम हील वील करेंगे पहले, तो देखो गाइस आगे क्या होता है। अब यहाँ पे हम अपनी हील पूरी करते हैं, और भाई इतने में क्या देखता हूँ कि सिर्फ़ एक बंदा बचा है और दो हम, तो वो बंदा अब छुप के बैठा हो कहीं पे। तो भाई अब हम चलते हैं यहाँ से, कार उठाते हैं और ढूंढते हैं भाई उस बंदे को। तो भाई अब आप देखो कि अब भाई हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ उस एक बंदे को ढूंढने में, और वो सांप का बच्चा कहाँ मिला हमें, और लास्ट में क्या हुआ। तो भाई हम उसे इतनी देर से ढूंढ रहे हैं और वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। और ये देखो भाई फास्ट एंड फ्यूरियस के विन डीजल बन गया हमारा नंबर टू। तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं भाई कोई है कि नहीं यहाँ पे। एक बंदा बचा, पता नहीं भाई कहाँ छुप के बैठा वो, इतना बड़ा जोन है। तो हम उसे ढूंढते हैं यहाँ पर वो यहाँ पर भी नहीं होता। देखो गाइस भाई वो सांप का बच्चा हमें कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर देखते हैं हम, सारी जगह देखते हैं, पूरे जोन में कार घुमाएंगे आगे। भाई वो बंदा कहीं नहीं मिला लिटरली, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है, पता नहीं कौन से बिल में घुसा है वो सांप का बच्चा। तो हम यहाँ पे सोचते हैं भाई ड्रॉप लूटते हैं, और यहाँ पे हमारा नंबर टू स्टंट पे स्टंट मारे जा रहा है, और हम यहाँ पे आ गए हैं अब ड्रॉप लूटते हैं। भाई वो बंदे ने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और यहाँ पर हमें मिलती है ओम, बट हम छोड़ देते हैं यार, एक ही बंदा बचा अब क्या स्नाइपिंग। वैसे भी क्लोज कॉम्बैट होगी अब, क्योंकि छुप रखा होगा कहीं पर, स्नाइपिंग का कोई यूज़ नहीं है अब। तो हम उनको छोड़ देते हैं, तो आगे देखते हैं भाई, हम ढूंढते हैं यहाँ पे वो बंदा कहीं नहीं मिलता हमें, पूरा जोन ढूंढ लेते हैं हम। तो देखो गाइस आगे क्या होता हमारे साथ। हम उस बंदे को बहुत ढूंढते हैं पर वो हमें कहीं नहीं मिलता। तो अब हमारे नंबर टू भैया को चुल मस्ती है, और वो नेड करते हैं, रैंडमली नेड करते हैं कि भैया गलती से उसके नेड से बंदा नॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो अपने सारे नेड वेस्ट कर देते हैं। तो भाई मैं भी यहाँ पे मोली करके अपना लक ट्राई करता हूँ कि भाई बंदा किल हो जाए मेरे मोली से, बट नहीं, वो बंदा है सांप और किसी बिल में घुसा होता है। तो भाई अब मैं इस साइड देखने जाता हूँ, और इतने में क्या देखता हूँ कि भाई अपने नंबर दो से ना होता है। तो भाई ये निकला वो सांप का बच्चा, और ये देखो उसने नॉक करने के बाद सीधा किल भी कर दिया। और ये देखो बंदे के पास है M249। अब देखो गाइस एक तो सांप ऊपर से M249 लेके बैठा है। तो भाई देखो आए क्या होता है हमारे साथ में। भाई वो हमारे पे करता है नेड, क्योंकि उसे भी नहीं पता हम कहाँ पे, क्योंकि वो है लेटा हुआ। तो मैं स्मोक करता हूँ उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि भाई मैं लेफ़्ट में कर रहा हूँ, राइट से आएगा और मैं मार दूँगा। बट नहीं, वो तो है सांप का बच्चा, वो जब तक जोन नहीं आएगा वो उठेगा नहीं। तो यहाँ पे जोन आता है, और मैं क्या देखता हूँ कि भाई वो देखो वो सांप का बच्चा मेरी स्मोक की तरफ ही भागता हुआ जा रहा है, और आ जाता है नीचे रिज में।
और यहाँ मेरा बैड लक कि ये पत्थर चला गया जोन के बाहर। अब मेरे पे कोई कवर नहीं है, अब मेरे को जोन में जाना पड़ेगा। और भाई यही मेरे से गलती हो गई, और मैं यहाँ जैसे निकलता हूँ तो भाई मेरे निकलते यहाँ पे आपको बच्चों को M249 का स्प्रे देता है। और यार भाई क्या बोलूँ यार, सांपों से बच के रहो यार, पूरी गेम ख़राब कर देते हैं सांप के बच्चे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है यार, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो अपने भाई को। और आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए यार घंटा ज़रूर दबा देना। तो चलो गाइस बाय बाय।